ट्रू हॉरर स्टोरीज POV सिंगापुर बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट पर भूतिया वीडियोस बनाते हैं। उन्होंने हाल ही में एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो शेयर किया है जिसमें एक डिलीवरी बॉय के साथ कुछ डरावना घटना है। Saya pun lupa tadi memang silap saya kak. Terima kasih banyak-banyak. Aduh. Okey? Okey. Dah tak ada apa-apa. Terima kasih kak. मलेशिया से एक काफ़ी ज़्यादा अजीब वीडियो आया है। दरअसल रोड की साइड में लगे CCTV कैमरा की ये फुटेज है जिसमें कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसने लोगों को चौंका कर रखा। तो एक बार आप भी इसे देख लीजिए। क्या आपको कुछ अजीब लगा? दरअसल वहां का टेबल और व्यक्ति गायब हो जाता है। अब ये कैसे हुआ होगा? क्या यहाँ कुछ असाधारण हुआ है या ये बस सिक्योरिटी सिस्टम का ग्लिच है? कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है ये दो अलग फुटेजेस हो जिन्हें एक किया गया हो। अब असल में यहाँ क्या हुआ था ये तो हमें शायद ही पता चले, पर आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करना। विन नाम के व्यक्ति के घर में कुछ असाधारण घटनाएं लगातार घट रही है। दरअसल विन का कहना है कि उनका घर हॉन्टेड है और ये अजीब घटनाएं और कुछ नहीं बल्कि भूतिया एक्टिविटीज है। विन ने कहा कि उनके घर में किसी बच्चे का भूत या फिर कुछ तो वैसा ही अजीब है जिसका वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही फीचर किया था। What are you doing, bud? All right. Stay cool. इस वीडियो में जो डार्क बच्चे के फेस की झलक दिखती है कुछ दिनों बाद वही विन को उनके घर में आराम से बैठा हुआ दिखता है। It is right there this time. Hello? Hey, no. No, stay there. Hey. Oh my God. Dude. It's okay. वो वहां से उठ के गायब हो गया। साथ ही डॉगी भी उस पर भौंका जो ये साफ करता है कि उसने भी उसे महसूस किया था, बट ये यहीं नहीं रुका। There's a, like a kid in my yard. Hey, no, come here. What the hell is that?
What the hell? Oh, holy shit. No, frickin'. नाउ विन को कोई आइडिया नहीं है कि ये एलियन है या कोई घोस्ट चाइल्ड। खैर आपको क्या लगता है, विन के घर में सच में कुछ बहुत वियर्ड घट रहा होगा या ये वीडियोस एडिटेड होंगे? आपकी राय कमेंट करना। डैनी टुमिया नाम के व्यक्ति पहले जिस अपार्टमेंट में रहते थे वो हॉन्टेड था, तो वहां का एक पुराना वीडियो उन्होंने शेयर किया। दरअसल वहां जाते वक्त हॉलवे में एक पुराना मिरर था जो कि काफी अजीब लगता था डैनी को। एक बार जब वो उनके बच्चे के साथ वहां से जा रहे थे तो उनका बेटा वहां मिरर के पास खड़ा हो गया और डैनी यूं ही उसे फिल्माने लगे, तब कुछ अजीब घटा। I was taking the trash out with my son and he kept pointing at the mirror and waving and I didn't know why, so I pulled the camera out and I can't believe I caught this. That's Rowan. अब ध्यान दो तो दिखता है कि मिरर में एक और बच्चे का रिफ्लेक्शन है जो मानो अंदर सांस छोड़ रहा है। तो वो बच्चा कौन या क्या होगा, आपको क्या लगता है? एक महिला ने उनके टिकटॉक अकाउंट पर हाल ही में उनके घर में घटा एक इंसिडेंट शेयर किया है। दरअसल इस वुमन का बच्चा उन्हें उसके इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में बताता था, फिर धीरे धीरे वो अकेले ही काफी बातें करने लगा। जब उन्होंने बच्चे से पूछा कि किससे बात कर रहे हो तो वो अपने इमेजिनरी दोस्त के बारे में बताता। तब इस महिला ने ये चीज रिकॉर्ड करनी शुरू की ताकि उनके फैमिली को दिखा सके। तो एक बार जब इसी वजह से वो उस बच्चे को रिकॉर्ड कर रही थी तब वो वुमन काफी ज्यादा डरी क्योंकि वहां अंधेरे में एक शैडो थी जो बिल्कुल बच्चे जैसी दिखती है ब्राइटनेस बढ़ाने पर। वो महिला अगले 2-3 दिन तक शॉक में थी इस इंसिडेंट के बाद, फिर उन्होंने उस वीडियो को शेयर किया। खैर अब ये वीडियो अगर रियल हुआ तो इस इंसिडेंट के बाद वो इमेजिनरी दोस्त इमेजिनरी नहीं रहा होगा। लियोनार्डो टॉरेस नाम के व्यक्ति ने उनके टिकटॉक अकाउंट पर एक चौंकाने वाला वीडियो शेयर किया था। दरअसल लियो उनके एक दोस्त के साथ एक हॉन्टेड शॉप में एक्सप्लोरेशन करने गए थे, बट उस शॉप में जाना मना था और उसमें जाने का कोई और तरीका भी नहीं था, तो वहीं बाहर बैठ के लियो लाइव स्ट्रीम करने लगे जिसमें लोगों ने कुछ अजीब नोटिस किया। दरअसल पीछे खिड़की में एक पेल वाइट चेहरा दिखता है। अब वो शॉप काफी टाइम से सुनसान पड़ी है, ना ही वहाँ किसी को जाने का एक्सेस है, तो ये लोग मानते हैं कि इन्होंने अनजाने में उस अबेंडेंट जगह रहने वाले भूत को रिकॉर्ड किया। खैर आपको क्या लगता है? डार्क घोस्ट पैरानॉर्मल एक फेमस यूट्यूबर है जो भूतिया कहे जाने वाली जगहों पर इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। तो वो इस बार ऐसे ही एक घर में गए जहाँ कोई नहीं रहता। उस घर के ओनर्स भी बाहर रहने से डरते हैं और वो किसी तरह उस घर को बेच देना चाहते हैं। दरअसल उस घर में वहाँ रहने वाले प्रीवियस ओनर की डेड बॉडी मिली थी जिसे किसी ने कुल्हाड़ी से मारा था और उसके शरीर पर काफी घाव भी थे, तभी से उस घर में ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। खैर यूट्यूबर जब वहाँ जाते हैं तो वो उनके कैमरास और थर्मल कैमरास को इंस्टॉल करते हैं। फिर वीडियो में करीब 6 मिनट गुजरने के बाद कुछ ऐसा घटा।
फिर इसी कमरे में इसके 2 मिनट बाद ही कुछ अजीब देखने को मिला। Можешь показаться. फिर वो उस कमरे से बाहर आए तो उन्हें वहां एक चाकू दिखा जो अपने आप हिलने लगा। और पीछे का दरवाजा भी अपने आप बंद हुआ। दरअसल बाहर से कोई गुजरा। उसके बाद वहां रखे जूते अपने आप चलते हैं। इन सब के बाद यूट्यूबर की टॉर्च भी ऑफ हो गई, जिससे वो थोड़े डर गए और जो घटनाएं उनके साथ यहाँ घटी उससे कन्विंस भी हो गए कि उस घर में कुछ तो असाधारण हो रहा है। खैर, आपको इन घटनाओं के बारे में क्या लगता है, इन्होंने क्या रिकॉर्ड किया होगा, कमेंट करना। तो ये थे आज के कुछ डरावने वीडियोस। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।